हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? हम भी यहाँ ठीक हैं और बारिश जो आज लगी हुई है और हम हैं घर में। ये है विशाल लिटिल पहाड़ी, इसका चैनल का नाम है। तो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल अबाउट गद्दी लाइफ में। तो मैं हूँ आपका दोस्त बहादुर भारद्वाज। तो आज घर में थे और घर में चल रहा है दोस्तों बियर्ड का काम, जिसको मैंने आपको बताया था कि जौ वाली जो वीडियो मैंने बताई थी आपको, जिसमें मेरी भाभी जी जौ को कूट रहे थे। और अब जो है दोस्तों, वो कूट के हमने आटा जो है वो पीस लिए है और तैयार कर लिया है। तो दोस्तों, बियर्ड की बात करें तो बियर्ड बोला जाता है, यानी दो तीन फसलें जब मिक्स होके हम बनाते हैं, जैसे मक्की हो गई, गेहूं हो गए, और उसमें आप और भी एक दो फसलें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम जौ, मक्की और गेहूं यूज़ करते हैं दोस्तों। इसको बोलते हैं बियर्ड। बियर्ड दोस्तों बहुत ही फायदेमंद होती है। जौ की जो रोटी होती है वो दो जो होती है शुगर के मरीजों के लिए भी बहुत बढ़िया होती है, और खाने के भी उसका जो टेस्ट है बहुत अलग होता है। तो दोस्तों, जब इसका जो आटा है वो गूंद कर इसकी जो रोटी बनाई जाती है, इसमें थोड़ी देर के जब आटा रख देते हैं तो जो रोटी जो होती है फूल जाती है, तो उसको हम त्रिकोणू बोलते हैं। गद्दी लैंग्वेज की हम जब बात करें तो उसको त्रिकोणू बोलते हैं, वैसे उसको गंडोली रोटी भी बोला जाता है। गद्दी लैंग्वेज में भी बहुत जो लोग हैं अपने अपने तरीके से उसको यूज़ करते हैं, वर्ड को जो है यूज़ करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है गंडोली रोटी, और जो है हम अपनी भाषा की बात करें तो त्रिकोणू बोलते हैं, जो हमारे यहाँ जो भाषा यूज़ की जाती है। तो दोस्तों, चलिए आपको दिखाते हैं कि जो बियर्ड है वो कैसे, जो हमने आटा तैयार कर लिया है और भाभी जो उसको छान रहे हैं। जो आटा था वो ज़्यादा मोटा पीसा हुआ है अभी, उसको तो छान रहे हैं। तो चलिए चलते आपको दिखाते हैं। वो हैं मेरे भाभी जी, और ये आटा जो है बहुत मोटा था, इसलिए जो इसको छाना जा रहा है, दो तीन बार इसको छानना पड़ेगा क्योंकि जो मोटा है, और इसका जौ का जो कचरा वगैरह वो भी बहुत ज़्यादा होता है। तो दोस्तों, कई बार जो होती है चक्की भी ख़राब होती है, चक्की की वजह से जो है आटा अच्छी तरह नहीं होता। तो ये जो है हम बियर्ड को है जो है छान का, जो आटा बियर्ड का उसको छान रहे हैं, और इधर बच्चे लोग जो है वो खेल रहे हैं। अंकु इधर देखो, बाय बाय करो, करो बाय, बाय कर दो मुन्ना, बाय करो। ये अरुषि, तो ऐसे ऐसे पहाड़ों के घर भी होते हैं दोस्तों। बारिश आज बहुत ज़्यादा लगी थी, हम घर में ही बैठे थे, ऐसे हमारे सादे से घर हैं। तो बहुत मन कर रहा था कि जो बियर्ड की रोटी है उसको खाएं, तो आज भाभी ने जो है आटा तैयार कर दिया है और उसको गूंदा जाएगा कल से। तो हम आपको वो रोटी भी दिखाएंगे, गंडोली रोटी इसको बोलते हैं, त्रकुरी भी बोलते हैं, और त्रिकोणू भी बोलते हैं। तो ये है हमारे घर अंदर का रसोई का व्यू। तो दोस्तों, मौसम जो है बहुत ख़राब है, कल रात से बारिश लगी हुई है और आज जो है दिन भर पूरा बिस्तर के अंदर ही गुजार दिया है, क्योंकि मौसम जो है बहुत ख़राब था, इसीलिए हम अंदर से आज निकले नहीं हैं। बताया आपको कि जो बियर्ड होती है वो क्या होती है और कौन कौन सी फसलें से उसमें यूज़ की जाती है। अगर आप ही ऐसे ऐसी रोटी खाना चाहते हैं, हम कब कब जो उसको जो रोटी जब बनाएंगे हम उसको आपको दिखाएंगे। अगर आप ही अगर इंटरेस्टेड हैं तो हमें कमेंट करके इनबॉक्स में ज़रूर बताएं, तो हम इनबॉक्स में आपको ज़रूर बताएंगे कि क्या क्या इसका यूज़ होता है और कैसे कैसे जो है इसको मिलाया जाता है और बनाया जाता है। तो दोस्तों, ऐसी ऐसी बहुत सारी हमारे चीज़ पहाड़ों में जो है बहुत सी जड़ी बूटी हैं और साग सब्जी हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को पता नहीं होती। तो बहुत सारी वीडियो हम आपके लिए लेके आएंगे, अच्छे अच्छे लोग जो हैं आपके लिए लेके आएंगे। तो हमारे YouTube चैनल अबाउट गद्दी लाइफ को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जो विशाल का चैनल है लिटिल पहाड़ी, तो इसको भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो ये भी जो है बहुत बढ़िया वीडियो बनाता है और अपनी मम्मी से मार्केट बार भी खाता है, तो इसलिए बहुत मेहनत करके ये वीडियो बनाता है, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए इसको मम्मी से मार खानी पड़ती है तब जाके फोन मिलता है। तो इसका चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इसको सपोर्ट करें। और ये आरुषि देवी। तो दोस्तों, आप बन चुके हैं वो त्रिकोणू, जिसको मैंने आपको बताया था कि जो भटूरे से होते हैं वो, आप देख सकते हैं ये बन गए हैं वो बियर्ड के, इसको बोलते हैं गंडोली रोटी, और क्या बोलते हैं गंडोली रोटी। आप ये देख सकते हैं भटूरे से ये बिल्कुल इस तरह के बन गए हैं ये। तो अभी बच्चे लोग खा रहे हैं। दुआ दिया।
आप देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। अगर साग के साथ खाया जाए तो बहुत ज्यादा मजा आता है। और ब्रेड होते हैं, जैसे कि डबल रोटी होती है ब्रेड, उस तरह की होती है ये भी, जौ की, जौ में मिक्स करते हैं ज्वार गेहूं और दो तीन ये फसलें मिक्स करके ब्रेड जो है बनाई जाती है। जौ की दोस्तों मेहनत बहुत होती है, उसको कूटा जाता है छान के, फिर उसका जो कूड़ा करकट अलग किया जाता है, उसका जो पतला सा वो कांटा सा होता है जिसको हम की बोलते हैं उसको अलग किया जाता है, फिर उसको तब जाके आटा तैयार किया जाता है। उसके बाद जो है ये तीनों फसलें मिक्स करके तब जाके ये ब्रेड बनती है। तो ये है त्रिकोण जी, हो रहे बातें कुछ हम तो बोलते त्रिकोण, और कई लोग बोलते हैं गड़ोली रोटी, और कई कुछ और भी कुछ लोग बोलते हैं, लेकिन हम तो त्रिकोण बोलते हैं। कई भटूरे भी बोलते हैं। तो ये ऐसे ऐसे खाना जो होता है पहाड़ों में वो खाया जाता है, और ऐसे ऐसे कल्चर होता है हमारा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय।